सीएम, डिप्टी सीएम और स्पीकर के नाम के ऐलान के साथ ही राजस्थान की पॉलिटिक्स के सस्पेंस पर पूरी तरह से कल विराम लग गया है। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि भजनलाल शर्मा का कहीं नाम चर्चा में नहीं था। रेस में कई बड़े नामों की गिनती हो रही थी, लेकिन जब बीजेपी ने भजनलाल शर्मा के नाम के ऐलान किया तो सभी चौंक गए। जैसे बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नए नाम के साथ सभी को चौंका डाला, वैसे ही राजस्थान में भी बीजेपी ने नया चेहरा मैदान में उतारकर सभी को चौंका दिया है। मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा आलाकमान की ओर से ऐलान किए गए नए नाम से सभी चौंक गए हैं। भाजपा कार्यालय में हुई विधायक दल की बैठक में सांगानेर के विधायक भजनलाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया। नेता चुने जाने के बाद भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा के सभी नेताओं के साथ मिलकर राजस्थान का सर्वांगीण विकास करेंगे। बता दें, भजनलाल शर्मा भरतपुर के रहने वाले हैं, संघ बैकग्राउंड से आते हैं। भजनलाल शर्मा को सांगानेर से अशोक लाहोटी का टिकट काटकर मैदान में उतारा गया था। बता दें, नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 15 दिसंबर को होगा, साथ ही दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी विधानसभा स्पीकर होंगे। भाजपा ने तीनों बड़े पद जयपुर को दिए हैं। भजनलाल शर्मा जयपुर की सांगानेर सीट से विधायक है, तो वही दिया कुमारी जयपुर की विद्याधर नगर सीट से विधायक है और प्रेमचंद बैरवा जयपुर जिले की दूदू सीट से विधायक है। विधायक दल की मीटिंग से पहले राजनाथ सिंह ने भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने पहले होटल में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से 1-on-1 बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह ने मीटिंग से पहले ही वसुंधरा राजे को बता दिया था कि उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। भाजपा ने राजस्थान में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चयन के जरिए ब्राह्मण, राजपूत और दलित कार्ड खेला है। बता दें, 2021 में पश्चिम बंगाल क्षेत्र के चुनाव में मध्य प्रदेश की 34 सीटों का जिम्मा उस समय भजनलाल शर्मा देख रहे थे। तब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को कुछ चिंताओं के बारे में बताया था। तब शाह ने कहा था कि आप संगठन की चिंता कीजिए, आपकी चिंता हम करेंगे। इस बात से कहीं ना कहीं लगता है कि शाह ने सच में भजनलाल शर्मा की चिंता की और राजस्थान की कमान उनके हाथों में सौंप दी। अब देखने लायक ये होगा कि अब भजनलाल शर्मा शाह और मोदी की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं और कितना नहीं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर आपके साथ, शुक्रिया।